हेलो गाइस, मनीष पांडे यू आर वाचिंग डिप्लोमा ट्रेंड्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के पांच बड़े फायदों के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के पांच ऐसे बड़े फायदे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो हमारे पुराने टाइप की मार्केटिंग थी, पोस्टर, बैनर, पेंटिंग, जो भी हम करते थे रोड पे अपने प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड के बारे में लोगों को बताने के लिए, उससे डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी अलग हो चुका है। डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे अलग है और क्यों डिजिटल मार्केटिंग जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अपेक्षा काफ़ी कम कास्ट लेता है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, तो इसके बारे में आज का ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फायदा जो है डिजिटल मार्केटिंग करने का, वह है कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। वाइड ऑडियंस रीच इसमें है, आप काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं बिना ट्रैवल किए, बिना ट्रांसपोर्टेशन के। आप काफ़ी एरिया को कवर करेंगे, संसार के किसी कोने में बैठ के आप संसार के अन्य किसी कोने में अपने प्रचार प्रसार करवा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड के बारे में लोगों को बता सकते हैं बिना ट्रैवलिंग के। तो डिजिटल मार्केटिंग का यह सबसे बड़ा फायदा है। वहीं अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपनी करनी है तो आपको वहाँ पर जाना एकदम ज़रूरी होता है, या फिर किसी का वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको अपनी मार्केटिंग के पोस्टर्स, बैनर्स या फिर पेंटिंग जो भी है वहाँ तक पहुँचाना होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्चा जो है डिजिटल मार्केटिंग में बच जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग करने की, कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता है और आप कहीं भी बैठे एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके वहाँ पे अपना ऐड रन कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग वहाँ से वहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं या फिर जो भी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, उनको आप उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काफ़ी जल्दी कैच कर लेते हैं। तो इसमें वाइड ऑडियंस रीच आपको मिल जाती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अपेक्षा आप इसमें ज़्यादा लोगों को कवर करते हैं। और अगला जो फायदा डिजिटल मार्केटिंग का, वह यह है कि आप जो भी मनी जो है डिजिटल मार्केटिंग में लगा रहे हैं उसका रिटर्न भी आपको मिलता है। रिटर्न में क्या मिलता है, आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, मेजरमेंट मिल जाता है कि कितने लोगों ने आपका एडवर्टीजमेंट को देखा है, कितने लोग उससे इंटरेक्ट हुए हैं, कितने लोगों ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदा है, कौन सा ऐड मेरा सही था, कौन सा गलत था। इन सब चीज़ों की मेजरमेंट जो है डिजिटल मार्केटिंग आपको प्रोवाइड करता है, और कहाँ कहाँ से यूजर्स आपके लिए आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी ऐड क्लिक हुई है, मतलब जितना भी मेजरमेंट एक होना चाहिए वो आपको मिलेगा। यहाँ तक कि अगर हम पुराने वाले मार्केटिंग की बात करें, उसमें अगर आपका कहीं पोस्टर टंगा हुआ है तो कितने लोग उसको देख रहे हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कितने लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं, कितने लोग उसको देख के एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कोई मेजरमेंट लगा पाना ही संभव नहीं है। और उससे कितना फर्क एरिया में पड़ रहा है इसकी मेजरमेंट जो है संभव नहीं हो पाती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको मेजरमेंट मिल जाता है कि एडवर्टीजमेंट कितना प्रभावी हो रहा है, कितने लोग इससे इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में मेजरमेंट का भी सिस्टम है। और डिजिटल मार्केटिंग का अगला जो बड़ा फायदा है आपके लिए, वह है कि इसमें काफ़ी कम कास्ट है। अगर हम पुराने टाइप की मार्केटिंग की बात करें तो आपको काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी, आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास एक मोबाइल फ़ोन हो उससे भी आप अपनी मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी कम कास्ट में होता है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप कहीं भी बैठे कहीं के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, अपने स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कहीं से भी कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक फ़ायदा है कि काफ़ी लो कास्ट में शुरू हो जाता है, 100 रुपीज पर डे में भी आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं और काफ़ी लोगों तक रीच कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी लो बैरियर एंट्री है, आप इसमें जो स्टार्टिंग जब डिजिटल मार्केटिंग आप स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी कम कास्ट में हो जाता है। तो ये जो है काफ़ी बड़ा फायदा है डिजिटल मार्केटिंग करने का। अगला जो सबसे बड़ा फायदा है डिजिटल मार्केटिंग करने का, वह यह है कि आप कभी भी अपने डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी आपने बनाया है मार्केटिंग करने का, उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप एडवर्टीजमेंट में जो भी कंटेंट है उसको भी चेंज कर सकते हैं, अपने स्पेसिफिक ऑडियंस जिनको आप टारगेट कर रहे हैं उनके बिहेवियर के अनुसार उनको भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी जो एडवर्टीजमेंट इस समय रन हो रही है उससे बेहतर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो उसको आप पल भर में ही कंटेंट को चेंज कर सकते हैं बेहतर इंगेजमेंट के लिए। डिजिटल मार्केटिंग में कभी भी आप अपने एडवर्टीजमेंट को एडिट कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल टाइप वाली मार्केटिंग में इस सिस्टम में काफ़ी दिक्कत आती है। अगर लोग इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट चेंज करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, आपको पुनः से शुरू से पूरा काम करना पड़ता है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आप कभी भी एडवर्टीजमेंट को, उसके स्ट्रेटेजी को, उसके कंटेंट को कभी भी चेंज कर सकते हैं।
तो डिजिटल मार्केटिंग आपको अलाउ करता है आप कभी भी अपने एडवर्टीजमेंट, अपनी स्ट्रेटेजी जो भी आप बनाए हुए हैं उसको चेंज कर सकते हैं लोगों के बिहेवियर और उनके इंटरेस्ट के अनुसार। इसके बाद हम बात करेंगे अगले फायदे की, तो वह है कस्टमर इंगेजमेंट। डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर इंगेजमेंट आपको बहुत अधिक मिलता है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग में टारगेट ही हम उन लोगों को करते हैं जिनका हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, पर्टिकुलर सर्विस जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें उनका इंटरेस्ट हो। डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट बेस्ड ऐड दिखाता है लोगों को, तो इससे जो है कस्टमर इंगेजमेंट काफ़ी बढ़ जाता है और प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड जो है हमारा उस लोकेलिटी में वायरल हो जाता है। इसको अगर हम एक उदाहरण के तौर पर समझें, तो अगर किसी को एक लैपटॉप की ज़रूरत है और वह सर्च इंजन पर सर्च करते हैं प्राइस ऑफ लैपटॉप, तो वहाँ पे एक उनके हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाता है कि उनको लैपटॉप की ज़रूरत है और उनको डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा टारगेट किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि वह डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ही लैपटॉप को ऑनलाइन ही बाई कर लें। तो यह जो है डिजिटल मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा फायदा है। डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट के अनुसार लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाता है। सो ये थे डिजिटल मार्केटिंग करने के 5 बड़े फायदे। और डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो हम शुरू कर चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग का फुल कोर्स हिंदी में, जिसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, आप वहाँ से हमसे जरूर जुड़िए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।